हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसिफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो हम लोगों का सीबीएसई बोर्ड एंड नीट और जेईई मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी तक मैंने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो आज मेरा है 6 लेक्चर, तो थ्योरी पार्ट खत्म हो चुका है। अभी हम लोग जितने भी लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर करेंगे वो होगा हम लोगों का न्यूमेरिकल के ऊपर। फिर भी अगर थ्योरी में कोई भी डाउट रहा हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, तो मैं थ्योरी का दूसरा वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करते, शुरू करते। जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, हम लोगों का आज का टॉपिक होगा बेसिकली न्यूमेरिकल्स फॉर बोर्ड नीट और जेईई मेंस। ठीक है, तो देखते हैं आज कितना न्यूमेरिकल हो पाता है। और एक बात बोल दूं शुरू करने से पहले, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का न्यूमेरिकल है, शुरू करने से पहले मैं बोल देता हूं कि जो आज का न्यूमेरिकल होगा वो ज्यादातर ट्रिकी होगा, मतलब इजी भी नहीं है और टफ भी नहीं है। न्यूमेरिकल कभी भी टफ नहीं होता, उसमें ट्रिकी होने से ही थोड़ा हम लोगों को तकलीफ होती है सॉल्व करने में। ठीक है, तो एकदम इजी वाला न्यूमेरिकल नहीं है आज का। हम लोग जो भी न्यूमेरिकल देखेंगे वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, तो इसलिए थोड़ा गौर से और कॉन्सेंट्रेट लेके आज का लेक्चर देखो। तो आज हम लोग फर्स्ट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और हैश 1 देखें, जो हम लोग का आज का फर्स्ट क्वेश्चन होने जा रहा है। वो है इन एन एमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट, 0.2% ऑफ मेन करंट इन एन एमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर इफ रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जी, इफ रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज कैपिटल जी, देन द रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी, देन द रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी। एमीटर का रेसिस्टेंस क्या होगा? ऑप्शन ए 1/499 जी, 1/499 जी। ऑप्शन बी 499/500 जी। ऑप्शन सी 1/500 जी एंड ऑप्शन डी 500/499 जी। यह है सीबीएसई एआईपीएमटी 2014 में, ठीक है, ये दिया है हम लोगों को सीबीएसई एआईपीएमटी 2014 में, जो अभी नीट हो चुका है हम लोगों का 2014 में। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोशिश करो, ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जो हमारा क्वेश्चन है वहां पे क्या पूछा है, इन एन एमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर और एमीटर में 0.2% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इन एन एमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर।
तो हम लोग गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कैसे जाएंगे? गैल्वेनोमीटर से एमीटर पे जाने के लिए हम लोगों को पैरेलल पे एक रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग शंट। तो शंट क्या है? शंट यानी कोई भी रेजिस्टेंस जब हम लोग पैरेलल पे कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं शंट। ठीक है, तो अभी देखो क्वेश्चन पे क्या कहा है, 0.2% ऑफ मेन करंट। तो यहाँ पर मेन करंट मान लेते हैं कि I है, गैल्वेनोमीटर से जाएगा IG, शंट से आएगा IS। ठीक है, तो यहाँ पर IG का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0.2% ऑफ मेन करंट मींस I। ठीक है, यानी कि 2/1000 I। चलो ठीक है, अभी हम लोगों को निकलना है शान का वैल्यू S इक्वल्स टू क्या है। तो यहां पर मैं एक पोटेंशियल डिवाइडर रूल बोल देता हूं, पोटेंशियल और करंट डिवाइडर रूल। ये मैथमेटिक्स में मतलब फिजिक्स के जो भी न्यूमेरिकल है हम लोगों का, काइनेटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसमें ये यूज हो सकता है। तो देखो ये रूल्स क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पैरेलल पे कनेक्टेड है, यहाँ पर टोटल करंट आई है, इसका वैल्यू आर वन, इसका वैल्यू आर टू, यहाँ से ज्यादा है आई वन, यहाँ से ज्यादा है आई टू। तो जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे आई वन एंड आई टू इक्वल्स टू इन टू आई मेन करंट इन टू आई, सब कुछ सेम ही है, नीचे आएगा आर वन प्लस आर टू, नीचे आएगा आर वन प्लस आर टू। जब हम लोग R1 मतलब I1 कैलकुलेट करेंगे तब ऊपर में लिखेंगे R2, जब हम लोग I2 कैलकुलेट करेंगे तब ऊपर में लिखेंगे R1। ये हम लोगों का पोटेंशियल डिवाइडर रूल्स। ठीक है, पोटेंशियल डिवाइडर रूल्स क्या है, जो मेन करंट है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1/R1+R2, सब कुछ ठीक है। जब R1 से कितना करंट पास होता है वो कैलकुलेट करेंगे तब ऊपर में लिखेंगे R2, जब R2 से कितना करंट पास होता है वो कैलकुलेट करेंगे तब ऊपर में लिखेंगे R1। ठीक है, अभी देखो क्या हो सकता है हम लोगों का, अभी हम लोग यहां से IG निकालते हैं, IG इक्वल्स टू तो मेन करंट हम लोगों का आ जाएगा I और नीचे में आ जाएगा G प्लस S और ऊपर में आ जाएगा IS। ठीक है, नहीं ऊपर में आ जाएगा S, क्योंकि हम लोग जी के थ्रू कितना करंट जा रहा है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग अगर आई एस कैलकुलेट करते हैं तो ये तो जी प्लस एस होगा, ये भी आई होगा, फिर ऊपर में आएगा जी। ठीक है, ये इतना तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो बात है, अभी देखो इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मान लेते हैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल है वी ए, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है वी बी। तो अगर हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, ओम्स लॉ, तो जी के लिए क्या लिखेंगे हम, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू आई जी इंटू जी। एस के लिए क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू आई एस इंटू एस। ओम्स लॉ अप्लाई करके वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेसिस्टेंस, इसका मतलब है IG into G equals to IS into S। ठीक है, अभी जो हम लोगों का IG का वैल्यू है ये हम डाल देते हैं। ठीक है, IG का वैल्यू जो है हम लोगों का वो हम यहां पर डाल देते हैं। ठीक है, डाल देने से क्या होगा, डाल देने से हम लोगों का जो है वो IS के थ्रू एक वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आई एस के थ्रू एक वैल्यू आ जाएगा, तो फिलहाल हम लोग आई जी का वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर। और यहां से हम लोग आई जी तो हम लोग का दिया हुआ है दिस, मतलब 2/1000 आई इंटू जी, और आई एस हम लोगों ने निकाला हुआ है ये, तो G/G+S इंटू आई। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर आई आई कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आई आई हम लोगों का कट जाएगा और एस एस भी, सॉरी जी जी भी कट जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से
जी ये भी कर सकता है, मतलब कट के आ जाएगा 500। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने से जी प्लस एस इक्वल्स टू हम लोगों का क्या आ जाएगा, जी प्लस एस इक्वल्स टू 500। एस इक्वल टू 500 माइनस जी, ऐसा आ रहा है हम लोगों का। कोई गलती वलती क्या है कि नहीं, ऐसा तो आना नहीं चाहिए, ऑप्शन पे तो है नहीं, तो देखो किस तरह से चेक करो। यहाँ पर आईजी तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर एक मैंने आईएस का वैल्यू लिखा है, यहाँ पर कितना तक, यहाँ पर एस मेरा छूट गया है, ठीक है, एस मेरा छूट गया है, तो ये होगा 500 एस अभी, ठीक है। तो अभी जो हम लोग है एस को वहां पर लेके जाने से ये माइनस हो जाएगा, 499 एस इक्वल्स टू जी, मतलब एस इक्वल्स टू 1/499 जी। मैंने यहाँ पर एस को नहीं लाया था, इसलिए मेरा न्यूमेरिकल जो है वो थोड़ा गलती हो गया था, ठीक है, समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या-क्या चीज याद रखने वाला है, यहाँ पर हम लोगों को ये पोटेंशियल डिवाइडर रूल याद रखना होगा। यहाँ से हम लोग आईजी एंड आईएस निकाल सकते हैं, तो फिलहाल हम लोगों का आईजी का कोई जरूरत है नहीं, सिर्फ आईएस का वैल्यू हम लोगों को बिठाना है। कहाँ पर, यहाँ पर आईएस का वैल्यू हम लोगों को बिठाना है, ठीक है, और आईजी का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट यहाँ से बिठा सकते हैं। तो क्या होगा, हम लोग का आईजी आईजी कैंसिल हो जाएगा, मतलब आई एम जी कैंसिल हो जाएगा, और वहां से हम लोग का एस का वैल्यू जो है वो आ जाएगा, मतलब एस यानी कि 1/499 जी, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का पहला सवाल। तो दूसरा सवाल देखते हैं क्या है, मतलब हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखते हैं क्या है। आज फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा हम लोग का क्रिटिकल हो गया, सेकंड क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी है मेरे ख्याल से। तो देखते हैं हम लोग का सेकंड क्वेश्चन क्या बोलते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर बोला गया है इलेक्ट्रॉन इन पोटेंशियोमीटर, सॉरी एन इलेक्ट्रॉन इन पोटेंशियोमीटर, एन इलेक्ट्रॉन इन पोटेंशियोमीटर विच एक्सपीरियंसेस ए फोर्स 2.4 × 10⁻¹⁹ N, ठीक है। द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर, द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर The length of potentiometer wire, the length of potentiometer wire is 6 meter. Is 6 meter. The EMF of the battery connected, the EMF of the battery connected. The EMF of the battery connected across the wire is, across the wire is, ब्रैकेट पे दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ऑप्शन ए 6 वोल्ट, ऑप्शन बी 9 वोल्ट, ऑप्शन सी 12 वोल्ट, ऑप्शन डी 15 वोल्ट। और ये आया है एमएसटी सीएटी 2014 में, ये आया है एमएचटी सीईटी 2014 में, ठीक है। तो ट्राई करो सॉल्व करने की, ये बहुत ही इजी है,
इसपे भी ट्रिक है, लेकिन ये बहुत इजी जो है, और यहां पर हम लोगों का यूनिट वन का फॉर्मूला एक टू यूज होगा। ठीक है, MST CET 2014। ठीक है, तो क्या कहा गया है क्वेश्चन पे पहले वो समझते हैं। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन इन पोटेंशियोमीटर विच एक्सपीरियंस ए फोर्स, तो यहाँ पर एफ दिया हुआ है हम लोग का 2.4 × 10⁻¹⁹ न्यूटन, और लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर L=6 मीटर, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और निकालने के लिए बोला है हम लोग को EMF मतलब E। ठीक है, तो E हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहां से हम लोग देखो EMF तो चाहिए मुझे E, और द EMF ऑफ द बैटरी। तो पहले हम लोग को क्या क्या फॉर्मूला पता है वो देख लेते हैं। एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग E=dV dx, और एक जानते हैं F=qE। ये दो फॉर्मूला हम लोगों को पता है। ठीक है, तो यहां से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, एफ बाई ई करने से क्या आएगा हम लोग का, देखो एफ बाई ई करने से हम लोग का आ गया मतलब एफ बाई ई मतलब क्यू। यहां पर क्यू करने से क्या आएगा हम लोगों, यहां पर क्यू करने से हम लोग का देख चलो देखते हैं करके, यहां पर E=F/Q। एफ क्या है 2.4 × 10⁻¹⁹, और Q का वैल्यू है 1.6 × 10⁻¹⁹। चलो ठीक है, और यहाँ से −19 −19 कैंसिल, यहाँ पर कटने के बाद क्या आएगा, कटने के बाद आएगा 24/16, 8 से कटने से 3 2 दैट इज 1.5 वोल्ट। चलो ठीक है, ये तो ऑप्शन पे है नहीं, मतलब ये आंसर नहीं होगा, तब जाके मुझे ये करना पड़ेगा। तो dV=E×dx, तो V=E×x, x यानी कि लेंथ, और लेंथ हम लोगों को दिया हुआ है 6 मीटर, तो 1.5 × 6 तो ये आ जाएगा 9 फुट, और 9 फुट हम लोगों का ऑप्शन है जो है ऑप्शन बी। ठीक है, तो मैंने क्या क्या है, पहले मैंने ई निकाला हुआ है, ईएमएफ निकालने के लिए बोला है, तो इसलिए मैंने ई निकाला है, तो ई का वैल्यू आया है 1.5 वोल्ट, मतलब यहाँ पर हम लोगों को ऑप्शन पे नहीं है, तो हम लोगों को पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो हम लोगों ने पोटेंशियल निकाला है dV=EdX करके, तो हम लोगों का आ गया है 9 वोल्ट, तो हम लोगों का आंसर जो है वो बन जाएगा 9 वोल्ट। ठीक है, समझ में आई बात, बिल्कुल इजी है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन नंबर 3 आया है हम लोग का सीबीएसई आईपीएमटी 2014। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द रेजिस्टेंस इन द टू आर्म्स ऑफ द मीटर बीस, द रेजिस्टेंस इन द टू आर्म, इन द टू आर्म ऑफ द मीटर बीच ऑफ द मीटर बीच, रेसिस्टेंस ऑफ टू आर्म ऑफ द मीटर बीच आर 5 ओम एंड आर ओम, आर 5 ओम एंड आर ओम रेस्पेक्टिवली, व्हेन रेसिस्टेंस आर इज शंटेड विद एन इक्वल रेसिस्टेंस, व्हेन रेसिस्टेंस आर इज शंटेड विथ
एन इक्वल रेसिस्टेंस विथ एन इक्वल रेसिस्टेंस द न्यू बैलेंस पॉइंट इज 1.6 एल्बो द न्यू बैलेंस पॉइंट is 1.6 L. The resistance R is the resistance capital R is option A 10 ohm, option B 15 ohm, option C 20 ohm, option D 25 ओम। यहां पर हम लोगों के जो न्यूमेरिकल है उसको आसान करने के लिए इन लोगों ने एक फिगर भी दिया हुआ है जो हम लोग अभी ड्रॉ करेंगे। तो फिगर जो है वो है कुछ ऐसा। ये हो गया दो रेसिस्टेंस, ये हो गया हम लोग का मीटर ब्रिज, ये हो गया हम लोग का गैल्वेनोमीटर, यहां पर आ गया एक बैटरी, यहां पर दे दिया एक स्विच। ठीक है, तो ये है 5 और R, ये हो गया 5 ओम, ये हो गया R ओम, ये हो गया गैल्वेनोमीटर Z, ये हो गया A, ये हो गया L1, ये हो गया 100 माइनस L1, ये हो गया B। ये आया था CBSE A, सॉरी CBSE A IPMT 2014। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो फॉर्मूला था हम लोगों का ये क्या था, P by Q equals to L1 by 100 minus L1। ठीक है, जो हम लोग मीटर ब्रिज से हेल्प लेके डिराइव किया था P by Q equals to L1 by 100 minus L1, इसको डाल देते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बाद में डालते हैं, फिलहाल इसको नाम दे देते हैं 5 by R equals to L1 by 100 minus L1, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। अभी इन्होंने क्या कहा है, when R is shunted with equal resistance R, जब इसको शंट करेंगे तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R by 2। कैसे, 1 by R dash equals to दोनों पैरेलल पे होने से 1 by करके पास करेंगे मतलब 2 by R, तो R dash equals to R by 2, मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा R by 2। अभी हम लोग लिखेंगे P by Q equals to 1.6 L1 by 100 minus 1.6 L1। ठीक है, तब क्या कहा गया है, यहाँ पर the new balance point is 1.6 L1। तो यहां पर हम लोग P के जगह पर तो 5 लिखेंगे और Q के जगह पर लिखेंगे R by 2 equals to 1.6 L1 by 100 minus 1.6 L1। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 by R equals to 1.6 L1 by 100 minus 1.6 L1, इसको डाल देते हैं इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 1। अभी दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 2 डिवाइड 1, तो आ जाएगा 10 by R into 5 by R equals to L1 by 100 minus L1 into, यहां पर आ जाएगा 1.6 L1 by 100 minus 1.6 L1, R R cancel, 5 और 10 कटने से आ जाएगा 2, L1 L1 cancel। तो cross multiplication करने से
क्या आएगा हम लोग का, यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, 3.2 इक्वल्स टू 100 माइनस 1.6 L1 बाय 100 माइनस L1। अभी इन सबको मल्टीप्लाई करके ही सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग का L1 का जो वैल्यू है वो यहाँ से कितना आएगा देखते हैं, मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 320 माइनस 3.2 L1 इक्वल्स टू 100 माइनस 1.6 L1, ठीक है। तो इसको वहां पर लेके जाते हैं तो आ जाएगा 1.6 L1 इक्वल्स टू, ये यहाँ पर लाने से हो जाएगा 100 माइनस मतलब 220, तो L1 इक्वल्स टू 220 बाय 1.6, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2200 बाय 16, ठीक है। ऐसा तो हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको कैंसिल करने से मेरे ख्याल से 4 से करने से क्या आएगा, 4 5 20, 4 5 20 0 बन जाएगा 4। फिर से अगर हम लोग 4 से इनको करते हैं तो क्या आना चाहिए, आ ये रफली तुम लोग घर पे कर लेना। तो यहाँ पर L1 का वैल्यू जो है वो मैं देख के लिख लेता हूँ, वो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करने से 100 से 320, और यहाँ पर होगा माइनस 3.2 L1, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 100 माइनस 1.6 L1, तो इसको वहां पर लेके जाने से 1.6 ही रह जाएगा, माइनस करने से 100 और 220, तो ये सब कुछ करने से शायद 25 आएगा। तो L1 इक्वल्स टू 25 आ गया रेजिस्टेंस R, तो यहाँ पर वैल्यू बिटा देते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, यहाँ पर क्या दिया है 5 बाय R, फ्रॉम इक्वेशन वन 5 बाय R इक्वल्स टू L1 मतलब 25 बाय 100 माइनस 25, तो 25 बाय 75 5 बाय R, तो एक अपने से 3 मतलब R इक्वल्स टू 15 ओम, तो हम लोग का वैल्यू आ गया 15 ओम, दैट इज ऑप्शन बी। मैंने यहाँ पर L1 का वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया है, ये स्टेप मैंने मिस कर दिया है, ये आप लोग घर पे करके देखना है, मेरा यहाँ पर गलती भी हुआ है शायद से, तो ये स्टेप आप लोग घर पे करके देखना कितना आता है, ठीक है। तो फिलहाल उसके बाद दूसरे न्यूमेरिकल पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया था, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, मैंने यहाँ पर ही गलती किया है, इसलिए मेरा आंसर जो है वो नहीं आ रहा था। 2 डिवाइड बाय 1 करने से देखो 10 बाय R, मुझे ये वाला टर्म पहले लिखना चाहिए था, मतलब मेरा 1.6 L1 यहाँ पर आएगा, 100 माइनस 1.6 L1, फिर यहाँ पर 1.6 कट के, 1.6 कट के L1 बाय L1 आएगा, इसलिए मेरा जो है वो कैलकुलेशन यहाँ से गलत हुआ है, ये घर पे रख कर लेना, तो L1 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूं तब तक एक कैलकुलेशन कर लो, देखो आता है कि नहीं, रुको मैं ही कर देता हूं, बाद में कोई भी बोलेगा सर को न्यूमेरिकल आता ही नहीं है। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 1.6 L1 by 100 minus 1.6 L1 into L1 100 minus L1, L1 L1 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 2 into 100 minus 1.6 L1 100 minus L1 मल्टीप्लाई करने से 200 minus 3.2 L1 इक्वल्स टू 100 माइनस L1, तो इसको यहाँ पर लाने से तो ये जो है
ये क्या हो जाएगा मेरा 3.2 L1 माइनस L1 इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो 3.2 L1 से L1 माइनस करने से आ जाएगा 2.2 L1 100, वहां से L1 इक्वल्स टू 100 बाई 2.2, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो यहां से मेरा आ जाएगा 25 जैसा, ठीक है। तो देखते हैं उसके बाद और एक न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 जो क्वेश्चन नंबर है वो है हम लोगों का, इसके ऊपर वो होगा हम लोगों का, देखो फोर्थ क्वेश्चन नंबर जो है वो गैल्वानोमीटर के ऊपर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पहले लिख रहे हैं, ए गैल्वानोमीटर हैविंग इंटरनल रेसिस्टेंस 10 ओम, ए गैल्वानोमीटर हैविंग इंटरनल रेसिस्टेंस 10 ओम इक्वल्स 0.01 एम्पियर, इक्वल्स 0.01 एम्पियर, मतलब करंट चाहिए इसको फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। टू कॉन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, टू कॉन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, इसको वोल्ट मीटर पे लेके जाने के लिए ऑफ फुल स्केल रिफ्लेक्शन 120 वोल्ट, ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन 120 वोल्ट, वी नीड टू कनेक्ट ए रेसिस्टेंस ऑफ, वी नीड टू कनेक्ट ए रेसिस्टेंस ऑफ, ऑप्शन ए 11990 इन सीरीज, 11990 ओम इन सीरीज, ऑप्शन बी 11990 ओम, 11990 ओम इन पैरेलल, ऑप्शन सी 12010 ओम, 12010 ओम इन सीरीज, ऑप्शन बी 12010 ओम इन पैरेलल, ठीक है। ये आया है हम लोग का UPSC MT 2014, उत्तराखंड PMT 2014। तो देखो गैल्वानोमीटर से अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है हम लोगों का कि R इक्वल्स टू V बाय आई जी माइनस हम लोगों का है G, V बाय आई जी माइनस G, R इक्वल्स टू V बाय आई जी माइनस G और कैपिटल G। यहां पर V हम लोगों को दिया हुआ है 120 वोल्ट, आई जी हम लोगों को दिया हुआ है 0.01 एम्पियर, और गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है हम लोगों को 10 ओम। तो यहां से हम लोग आज जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और नहीं तो गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर पे लेके जाने के लिए हम लोगों को सीरीज पे एक
रेसिस्टेंस ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास होगा मतलब आईजी, वो ही जाएगा इससे भी जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को जो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर पे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए जो हम लोगों को जो रेसिस्टेंस चाहिए, मान लेते हैं ये हो गया मेरा वी है, ये हो गया मेरा वीबी, ठीक है। तो वीए माइनस वीबी करने से इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अभी एज्यूम कर लेते हैं वी, मतलब वीए माइनस वीबी इक्वल्स टू वी हम लोगों ने मान लिया। तो यहां पर क्या आएगा, वी इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला अप्लाई करने से, वी इक्वल्स टू आई मतलब आई जी, आर मतलब जी प्लस आर, ठीक है, ये हो गया। तो इसको अभी मल्टीप्लाई करते हैं आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू आर, ठीक है। तो ये भी हो गया, तो मुझे चाहिए क्या, आर चाहिए, तो ये हो जाएगा आई जी इंटू आर इक्वल टू वी माइनस आई जी इंटू जी। तो ये क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू वी बाई आई जी माइनस जी, ये आ गया हम लोग का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी वैल्यूज को डाल देते हैं, वी क्या है हम लोगों का, वी है हम लोगों का 120 बाय आई जी है हम लोगों का 0.01 माइनस जी है हम लोगों का 10, तो इसका मतलब 12000 माइनस 10, तो एक क्या आएगा हम लोगों का, तो 0.99 आ जाएगा, 11990 ओम। और हम लोगों को रेसिस्टेंस सीरीज पे लगाना पड़ेगा, तो इसका मतलब हम लोग का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो ये हमको याद रखना पड़ेगा कि गैल्वेनोमीटर से जब हम लोग वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे और गैल्वेनोमीटर से हम लोग जब वोल्टेज मेजर करेंगे, तब हम लोग को सीरीज पे एक रेजिस्टेंस लगाना ही पड़ेगा, और उस रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं आर इक्वल्स टू बी बाई आई जी माइनस जी। यहाँ पर वैल्यूज डाल देने से हम लोग का आंसर जो है वो डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट सवाल की, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, मतलब क्वेश्चन नंबर 5। सारा का सारा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग भी हो रहा है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हट्टी मट्टी मुट्टी, चलो फाइट। इन पोटेंशियोमीटर एक्सपीरियंस ऑफ ए सेल ऑफ, इन पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट, इन पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट ऑफ ए सेल ऑफ ईएमएफ, ऑफ ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.25 वोल्ट गिव्स, क्या देता है भाई, बैलेंसिंग लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, बैलेंसिंग लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल, इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल, न्यू बैलेंसिंग लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, न्यू बैलेंसिंग लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ सेकंड, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ सेकंड, मतलब दूसरे का ईएमएफ क्या है, ए 1.5 वोल्ट, बी 1.67 वोल्ट, सी
1.47 वोल्ट, डी 1.37 वोल्ट, सीईटी 2014, के सीईटी 2014, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को सेकेंड जो बैटरी है उसका ईएमएफ निकालने के लिए बोला गया है। तो पोटेंशियोमीटर में हम लोगों ने जो मेरा फिफ्थ नंबर वीडियो है वहां से देख सकते हो तुम, प्लेलिस्ट में पोटेंशियोमीटर के ऊपर मैंने बहुत सारा डिराइवेशन किया था। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियोमीटर जो था वो हम लोगों का था E1 बाय E2 इक्वल्स टू L1 बाय L2। तो यहां पर इस फॉर्मूला से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है, E1 बाय E2 इक्वल्स टू L1 बाय L2। तो E1 जो था हम लोगों का मतलब है वो है 1.25 वोल्ट, L1 है भाई 30 सेंटीमीटर, E2 हम लोगों को निकालना होगा, L2 दिया गया है 40 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो E1 है 1.25 बाय E2 इक्वल्स टू L1 है हम लोगों का 30 बाय 40, 0 0 कैंसल, E2 इक्वल्स टू 4/3 इनटू 1.25, ठीक है। तो 4/3 इनटू 1.25 करने से हम लोग का जो आ जाएगा वो आएगा 1.666 वोल्ट, यानी कि 1.67 वोल्ट, दैट इज हम लोग का ऑप्शन बी। ये हो गया हम लोग का ऑप्शन बी। तो हम लोगों को इस न्यूमेरिकल पे क्या चाहिए, ए वाला फॉर्मूला चाहिए, E1 बाय E2 इक्वल्स टू L1 बाय L2, एक्चुअली E प्रोपोर्शनल टू L होता है, इसलिए E1 बाय E2 यानी कि L1 बाय L2, ठीक है। चलो अभी ये न्यूमेरिकल जल्दी से कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल पे जाएंगे। वो भी होगा पोटेंशियोमीटर के ऊपर, तो देखते हैं कैसा न्यूमेरिकल है। अभी होगा क्वेश्चन नंबर 6। ये भी हम लोगों का जो पोटेंशियोमीटर डेरिवेशन किया था हम लोगों ने पार्ट्स डेरिवेशन, कैसे हम लोग रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, कैसे वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, कैसे हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, कैसे दो सेल का ईएमएफ में कंपेयर कर सकते हैं, उसमें से एक फॉर्मूला हम लोगों को चाहिए। तो ये हो जाएगा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। देखो इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट द बैलेंसिंग विद अ सेल एट लेंथ 240 सेंटीमीटर। इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट, इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट द बैलेंसिंग विद अ सेल द बैलेंसिंग विथ अ सेल इज एट अ लेंथ 240 सेंटीमीटर, इज एट अ लेंथ 240 सेंटीमीटर। ऑन शंटिंग द सेल विथ अ रेसिस्टेंस, ऑन शंटिंग द सेल विथ ए रेसिस्टेंस, ऑन शंटिंग सेल विथ ए रेसिस्टेंस ऑफ 2 ओहम, ऑफ 2 ओहम, द बैलेंसिंग बिकम्स 120 सेंटीमीटर, द बैलेंसिंग बिकम 120 सेंटीमीटर। द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल इज, द इंटरनल रेसिस्टेंस
ऑफ द सेल इज, ऑप्शन ए 1 ओम, ऑप्शन बी 0.5 ओम, ऑप्शन सी 4 ओम, ऑप्शन डी 2 ओम। ये आया है हम लोगों का कहां पर, UKPMD 2014 पे, ये आया है UKPMD 2014 में। चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, यहां पर बोला है इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट, तो हम लोगों को द बैलेंसिंग विद द सेल इज एट लेंथ 240 सेंटीमीटर, तो यहां पर L1 दिया है हम लोग का 240 सेंटीमीटर, L2 दिया है हम लोग का 120 सेंटीमीटर, आर हम लोग को निकालना है इंटरनल रेसिस्टेंस, और शंटिंग मतलब कैपिटल आर दिया है हम लोग का 2 ओम। तो इंटरनल रेसिस्टेंस का एक फॉर्मूला है जो हम लोगों ने डिराइव किया था, आर इक्वल्स टू आर इनटू L1 बाय L2 माइनस 1। ठीक है, ये था हम लोग का इंटरनल रेसिस्टेंस वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर आर का वैल्यू डाल देते हैं 2, L1 का वैल्यू डाल देते हैं 240, L2 का डाल देते हैं 120 माइनस 1, ये हो जाएगा 2। तो ये क्या आ गया भाई, 2 ओम आ गया, तो हम लोग का 2 ओम आंसर भी है, तो हम लोग का न्यूमेरिकल भी हो चुका। तो आंसर क्या आया हम लोग का, ऑप्शन डी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर पोटेंशियोमीटर स्पेलिंग थोड़ा सा नहीं आ रहा है, तो इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट द बैलेंसिंग विद द सेल इज एट लेंथ 240 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 कैसे हो सकता है, पहले इसको समझ लेते हैं, तो अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा हम लोग का। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द फोर आर्म्स, द रेजिस्टेंस ऑफ द फोर आर्म्स पी कॉमा क्यू कॉमा आर एंड एस इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज आर इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज आर इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज आर 10, 30, 30 एंड 90 ओम, 10 ओम, 30 ओम, 30 ओम एंड 90 ओम रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली। द ईएमएफ एंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल इज, द ईएमएफ एंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल इज, ईएमएफ एंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल इज 7 वोल्ट एंड 5 ओम। ठीक है, इफ द गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस इज 50 ओम, इफ द गैल्वेनोमीटर
रेसिस्टेंस इज, इफ द गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस इज 50 ओम, इज 50 ओम, देन करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल विल बी, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल विल बी। बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, कॉपी कर लो पहले। ऑप्शन है हम लोग का, ऑप्शन ए 1.0 एम्पियर, ऑप्शन बी 0.2 एम्पियर, ऑप्शन सी 0.1 एम्पियर, ऑप्शन डी 2.0 एम्पियर। ये आया है नीट 2013 पे भी एक नीट हुआ था जिसपे ये आया है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए। पहले बोला है द रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम्स पी क्यू आर एस इन वेस्टर्न रीज आर दिस, द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल दिस, द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज दिस, देन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज। तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो वेस्टर्न ब्रिज ड्रॉ कर लेते हैं। पी क्यू आर एस दिया हुआ है 10, 30, 30, 90, गैल्वेनोमीटर भी दिया हुआ है यहाँ पर जी, तो बैटरी हो गया यहाँ पर, ये हो गया सर्किट। बैटरी का ईएमएफ है हम लोग का 7 वोल्ट, इंटरनल रेसिस्टेंस है 5 वोल्ट। तो पहले टेस्ट कर लेते हैं हम लोग, P by Q equals to 10 by 30 equals to 1 by 3, R by S equals to 30 by 90 equals to 1 by 3। मतलब ये हम लोग का नाम पॉइंट पे ही है गैल्वेनोमीटर, तो इसका मतलब इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, मतलब ये जो है ये हट जाएगा, तो ऊपर 2 आ जाएगा सीरीज पे, नीचे का 2 आ जाएगा सीरीज पे रेसिस्टेंस। तो ऊपर का 2 सीरीज पे आने से हम लोग पैर भी डिस्टर्ब कर रहा है आज, तो टाइम ही खराब। ऊपर का 2 आ जाएगा सीरीज पे, नीचे का 2 आ जाएगा सीरीज पे, और नीचे पे आ जाएगा ये बैटरी, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 90, ये है 5 ओम और 7 वोल्ट। फिर 10 और 30 मिलके हो जाएगा 40 प्लस करने से, और नीचे में आ जाएगा 120, उसके साथ बैटरी आ जाएगा 7 वोल्ट और 5 ओम। फिर इन दोनों को पैरेलल पे करना पड़ेगा, तो पैरेलल पे करने से एक रेसिस्टेंस आएगा, उसका वैल्यू मैं अभी निकालूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 ओम और 7 वोल्ट, और रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा 40 या 120 पैरेलल पे, मतलब 1/R इक्वल्स टू 1/40 प्लस 1/120, 120 आ जाएगा एलसीएम, 3 प्लस 1 मतलब 4/120, कटने से आ जाएगा 3, तो R इक्वल्स टू 3, ये आ गया 3 ओम। अभी 3 ओम एंड बैटरी का जो 5 ओम है वो आ जाएगा हम लोगों का सीरीज पे, ठीक है। तो सीरीज पे आ जाने से हम लोगों का जो रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर गलती किया है कि नहीं, गलती किया है कि नहीं, यहां पर गलती किया है 30, तो यहां पर होगा 30 और 5 आ जाएगा सीरीज पे, तो टोटल रेसिस्टेंस बन जाएगा 35 ओम और बैटरी जो है वो रह जाएगा 7 वोल्ट। अभी हम लोग करंट निकालेंगे, करंट I इक्वल्स टू V / R, V हो गया 7, R हो गया 35, तो आ गया 5 एम्पियर, दैट इज 0.2 एम्पियर, ठीक है। I इक्वल्स टू 0.2 एम्पियर, समझ में आई बात, बिल्कुल इजी है, परेशानी कोई बात ही नहीं है। देखो देखो अच्छे तरह से देख लो, फिर हम लोग
देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अभी का जो न्यूमेरिकल है वो तो बहुत ही इजी था, क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं कैसा है, इजी है या टफ है। क्वेश्चन नंबर बन जाएगा आज का 8। क्वेश्चन तो छोटा है। ए 100 वोल्ट वोल्टमीटर, ए 100 वोल्ट वोल्टमीटर, ए 100 वोल्ट वोल्टमीटर ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस, ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस, ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस 20 किलो ओम, ऑफ 20 किलो ओम इन सीरीज विथ ए हाई रेसिस्टेंस, इन सीरीज विथ ए हाई रेसिस्टेंस, विथ ए हाई रेसिस्टेंस R, कैपिटल R इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट लाइन, टू 110 वोल्ट लाइन, द वोल्ट मीटर रीड्स 5 वोल्ट, द वोल्ट मीटर रीड्स 5 वोल्ट, the value of R is, the value of R is, option A 210 kilo ohm, option B 315 kilo ohm, option C 420 kilo ohm, ऑप्शन डी 440 किलो ओम। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ये आया है एम्स 2013 पे, ये आया है हम लोग का एम्स, मतलब थोड़ा सा तो टफ होगा। एम्स 2000 कितने आया था, एम्स 2013 पे, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझो, क्या बोला गया है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे बोला गया है कि 100 वोल्ट वोल्टमीटर ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ 20 किलो ओम इन सीरीज विद हाई रेसिस्टेंस आर। तो वोल्टमीटर है सीरीज पे, हाई रेसिस्टेंस आर भी है, वोल्टमीटर रीड्स 5 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू क्या है। तो यहां से वोल्टमीटर और रेसिस्टेंस आर दोनों में से सेम करंट जाएगा, क्योंकि दोनों दोनों का जंक्शन सीरीज पे है। तो यहां से हम लोग आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, वोल्टमीटर जो रेटिंग लिया है वो लिया है यहां का, तो मतलब हम लोगों का जो वोल्टमीटर का जो रेसिस्टेंस है वो है हम लोगों का वी इक्वल्स टू है, सॉरी वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस हम लोग आर वी देके डिनोट करते हैं 20 किलो ओम, यानी कि 20 × 10³ ओम, और V equals to है हम लोग का 5 वोल्ट, या नहीं 5 वोल्ट नहीं 110 वोल्ट, ठीक है। तो V equals to 110, यहां से हम लोग I जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, I equals to V by R, मतलब 110 by 20 × 10³, 11/2 × 10³, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोगों का I, तो 10⁻³, सॉरी
ये आ जाएगा 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पीयर। ये आ गया आई, और निकालना है अभी हमको आर। तो आर कैसे निकालेंगे हम, वोल्टेज वोल्टमीटर जो रीडिंग लिया है वो लिया है एक्रॉस वोल्टमीटर, मतलब वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस के वजह से जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका वैल्यू। यहां पर टोटल वोल्टेज दिया है 110, और यहां पर वोल्टमीटर जो अपने खुद का वोल्टेज रीडिंग लिया है वो है 5 वोल्ट। तो बाकी वोल्टेज मतलब यहां पर होगा 5 वोल्ट, और यहां पर आर के थ्रू वोल्टेज होगा दूसरा, मतलब 110 माइनस 5 मतलब 105 वोल्ट। तो यहां पर हम लोग V इक्वल्स टू आई आर फिक्स करने से, तो आर इक्वल्स टू V बाई आई, तो V तो हम लोग का आ जाएगा 105, और आई तो मैंने निकाला है कितना आया है 5.5 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, ये करने से देखो कितना आता है, ये करने से हम लोग का आ जाएगा 420 इंटू 10 टू द पावर 3 मतलब 420 किलो। ठीक है, 5.5 ये कटने से आ जाएगा कुछ ऐसा 4 पॉइंट, ठीक है चलो ठीक है, और गलती नहीं किया है तो शायद यही आना चाहिए। V बाय आर करने से आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पर आ गया हम लोग का V बाय आर। आर मैंने कितना लिखा था, आर मैंने लिखा था 20 किलो ओम इन सीरीज विद रेजिस्टेंस आर। ठीक है, 20 किलो ओम मतलब 20 × 10⁻³, और यहाँ पर वोल्टेज भी दिया हुआ है हम लोग का। मैंने यहाँ पर एक गलती कर दिया है, यहाँ पर V जो है मैंने तो इसका थ्रू वोल्टेज मेजर करना है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5 वोल्ट। सॉरी एकदम से सॉरी, फिर से गलती किया मैंने, यहाँ पर आ जाएगा 5 वोल्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 की जगह पर 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5। ठीक है, 2.5 20 नहीं, 2.5 × 10⁻⁴ अभी ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, V बाय आर करने से क्या आएगा, V बाय आई करने से देखते हैं, V बाय V तो अभी 105, और आई मतलब 2.5 × 10⁻⁴। आंसर सेम ही आएगा, मतलब 420 × 10⁻³, तो 420 किलो। ठीक है, मैंने वहां से कॉपी से डायरेक्ट लिख लिया था। तो यहाँ पर मैंने रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या डाला था, रेसिस्टेंस का वैल्यू डाला था 20 किलो ओम। देखो मैं फिर से समझा देता हूँ, रेसिस्टेंस का वैल्यू मैंने डाला था 20 किलो ओम, मतलब वोल्ट मीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस, और वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या है 5 वोल्ट। तो जब हम लोग वोल्ट मीटर से कितना करंट पास होता है वो निकालेंगे, तो वोल्ट मीटर का वोल्टेज मतलब 5 वोल्ट बाय वोल्ट मीटर का करंट मतलब 20 × 10⁻³, तब जाके हम लोग का आंसर आएगा 2.5 × 10⁻⁴। ये यहाँ पर बैठने से हम लोग का आंसर आ जाएगा 420 किलो। ठीक है, समझ में आई बात, चलो ठीक है, आज हो गया 8। और दो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, बिल्कुल इजी इजी वाला है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए लिख देता हूँ, 10 कर देता हूँ, एक लेक्चर में 10 नहीं होने से थोड़ा कम कम लगता है, इसलिए 10 गिनती के लिए कर देता हूँ 10। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, तो हम लोग का 9 जो है वो बिल्कुल इजी है, हैश 9 द रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल वोल्टमीटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज ऑप्शन ए लो, बी हाई, सी इनफाइनाइट, ऑप्शन डी जीरो। ये आया है CGPMP 2010 पे।
2010। तो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, ठीक है। अगर ये रियल वोल्टमीटर होता तो इसका रेजिस्टेंस होता हाई, लेकिन आइडियल होने से इसका रेजिस्टेंस जो है वो होगा इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 तो बच गया है। ए गैल्वेनोमीटर एक्टिंग एज ए वोल्टमीटर, ए गैल्वेनोमीटर एक्टिंग एज ए वोल्टमीटर, ए गैल्वेनोमीटर एक्टिंग एज ए वोल्टमीटर शुड हैव ऑप्शन ए लो रेसिस्टेंस इन सीरीज विद इट्स कॉइल, लो रेसिस्टेंस इन सीरीज विद इट्स कॉइल, ऑप्शन बी लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल, ऑप्शन सी हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज, विथ इट्स कॉइल, ऑप्शन डी हाई रेसिस्टेंस इन पैरेलल विथ द कॉइल और विथ इट्स कॉइल, ठीक है। ये दिया है जिपमार 2010, जिपमार 2010 में, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर कब वोल्टमीटर जैसा काम करेगा? जब गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर जैसा काम करते हैं तब हम लोगों ने देखा सीरीज के साथ एक हाई रेसिस्टेंस हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। सीरीज के साथ एक हाई रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं तब जाके ये वोल्टमीटर जैसा काम करता है। हाई रेसिस्टेंस कनेक्टेड विद सीरीज, मतलब ऑप्शन सी। और एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके पैरेलल पे एक लो रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को सीरीज पे वोल्टमीटर पे लेके जाने के लिए ये करना पड़ता है हाई रेसिस्टेंस, और पैरेलल एमीटर पे लेके जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? इसको पैरेलल पे एक लो रेसिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी वाला। देखो कॉपी कर लो जल्दी से। चलो ठीक है, वीडियो पॉज करके या स्क्रीन को पॉज करके कॉपी कर लेना। यहां बहुत हो चुका, ज्यादा नहीं सिर्फ 10 बज गया है, तो अभी बस कर देते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे किसी दूसरे दिन, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना, और न्यूमेरिकल अच्छी तरह से करो। आज के न्यूमेरिकल में थोड़ा बहुत एक्चुअली मेरा मतलब माइंड थोड़ा सेटअप नहीं हुआ था, इसलिए सिलिंग मिस्टेक थोड़ा हो गया आज दो न्यूमेरिकल पे, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कुछ और सोच रहा था। तो ठीक है, नेक्स्ट से ऐसा नहीं होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना, और वीडियो में कोई भी दिक्कत आई हो तो कमेंट में बोल देना, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में भी होगा हम लोग का न्यूमेरिकल, वो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। और तुम लोग तब तक थ्योरी वाला पार्ट अच्छे तरह से पढ़ लो, थ्योरी वाला पार्ट पढ़ के मुझे इन्फॉर्म करो, तब जाके मैं यूनिट 3 स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड नाइट बम भोले।